के लिए हर टीम इंतजार करती है। उन्होंने फिलहाल फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक 2K22 से टॉप 3 टीम्स फ्रॉम प्लेन्स, और ये सभी टीम्स अपने गेम प्ले एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड करेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिस्टेड हैं। सो या अगेन एक इन्फॉर्मेटिव एंड क्रेजी वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना और फट से तो क्लिक करके लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा। सो लेट्स गो। ओके, सो टॉप 3 टीम्स में से थर्ड नंबर पे जो टीम है उसका नेम है मैजिक स्क्वाड फ्रॉम ब्राजील। अब गाइस, मैजिक स्क्वाड को उतना इंटरनेशनल टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट LBFA में जो ब्राजील का मेन मेजर टूर्नामेंट है और जो कि बहुत ही एक टफेस्ट टूर्नामेंट है उसके फॉर्मेट के वजह से, तो इसके अंदर मैजिक स्क्वाड फर्स्ट मैच पे ही #11 मतलब बहुत पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे, बट उसके बाद जो कमबैक किया ना। Só tem o Bops e o Drax, eles vão caçando. O Bops vem pra pegar mais um! एंड फाइनली वर्ल्ड सीरीज प्लेन्स में क्वालिफाई किए। और मैजिक स्क्वाड को थर्ड नंबर पे रखने का एक और वैलिड रीजन है कि टीम फ्लुक्सो के फॉर्मर प्लेयर गॉड किल टीम मैजिक स्क्वाड से ही खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत बेस्ट स्नाइपर एसोल्टर है। एंड गाइस, बैकग्राउंड पे आप लोग मैजिक स्क्वाड के रसर प्लेयर ड्रैक्स का गेम प्ले देख ही रहे हो। तो गाइस, सेकंड नंबर पे जो टीम है कोई और नहीं, इट्स RRQ काजू फ्रॉम इंडोनेशिया। अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस बहुत है इस टीम के पास भी। एक मेजर अचीवमेंट फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज 2020 एशिया, जिसके अंदर हमारे इंडिया से टोटल गेमिंग एंड XTC स्पोर्ट्स भी खेल रही थी। हाँ, इस ऑफिशियल टूर्नामेंट में RRQ #3 पोजीशन ग्रैब किए थे, और इस टीम के पास लैंड टूर्नामेंट्स का भी बहुत एक्सपीरियंस है। टीम का जो कोच है नेम आदि, 2020 साल से एनालिसिस कर रहे हैं अपने टीम को। इनका स्नाइपर प्लेयर पैकमैन बहुत ही तगड़े स्नाइपर है। देखो ना, FFCS में कैसे अपने टीम को बूया दिला दिया अपने स्नाइपिंग स्किल से। हो चुके हैं, बहुत ही तगड़ा गेम प्ले कर रही है मलेशिया। यहाँ पे मलेशिया के जो है वो यहाँ पे आ रहे, क्योंकि भी प्लेयर नीचे की तरफ आ रहे हैं। श्रिंक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। क्लिपर यूज की जा रही है, गीक बम के यहाँ पे बहुत ही अच्छे अटैक चल रहे हैं। गीक बम के यहाँ पे बंदा डाउन करने के बाद पूरा कर दिया गया। एक्सपी के यहाँ पे चार नंबर पे एलिमिनेट हो चुकी है टीम, रह चुकी है और गीक बम भी एलिमिनेट हो चुकी है। तीसरे नंबर पे दो टीम रह चुकी है, चार प्लेयर रह चुके हैं दो टीम के। क्या मामला दो पाएंगे, हैवी टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है। बट गाइज, RRQ वर्ल्ड सीरीज के प्लेइंग्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनके साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया था, जो कि तुम्हें इस वीडियो के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन का लिंक बताएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नाउ नंबर 1 पे जो टीम है, मुश्किल से एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो इस टीम का नेम ना जानता हो। यस, नंबर 1 टीम इवोस फिनिक्स। अचीवमेंट्स के मामले में फ्री फायर का नंबर 1 टीम है। फ्री फायर में जितने भी टीम्स है उन सब से इवोस फिनिक्स का ओवरऑल अर्निंग सबसे ज्यादा है। इनके बारे में क्या ही बोले, वर्ल्ड सीरीज में क्वालिफाई करना तो इनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। और हर वर्ल्ड सीरीज में इनका एक सिंपल रूल है कि हर एक वर्ल्ड सीरीज के लिए एक डिफरेंट प्लेयर्स लाइनअप, बट इस बार का जो लाइनअप है ना, एकदम फायर लाइनअप है, एकदम फायर। इवोस ऑलरेडी ऐड हुए इस बार एज ए न्यू प्लेयर, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन। सो इस बार के लाइनअप में खेलेंगे गॉड क्रूज द गेट, इवोस ऑलरेडी एंड द स्नाइपर एक्सपर्ट इवोस मोसी। सो इवोस मोसी के बारे में भी पर्टिकुलर दो वीडियोस है मेरे चैनल पे, लिंक यही कहीं पर मिल जाएगा तुमको। लाइनअप फायर है क्योंकि न्यू प्लेयर इवोस ऑलरेडी खेलेंगे इस बार, जो रिसेंटली गरेना के ऑफिशियल टूर्नामेंट फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप में ई अरिना टीम से खेल के गए हैं। मतलब एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं है, और बंदे का टूर्नामेंट हाईलाइट देखो आप लोग समझ जाओगे। ना पूरा हो भाई,
सो गाइस ये था फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक प्लेन्स के टॉप थ्री टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस एंड करंट परफॉर्मेंस। बट अभी से कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा वर्ल्ड सीरीज में। पाकिस्तान से हॉटशॉट भी बहुत बढ़िया कर रही है, अर्जेंटीना से टीम नागुआरा भी बहुत स्ट्रांग टीम है, टीम एक्सपैंड टीम इन्फिनिटी VX मतलब कुल मिला के बात है, बहुत मजा आने वाला है इस बार भी वर्ल्ड सीरीज में। और वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक के रिगार्डिंग ये मेरा पहला वीडियो है, मीन्स आज से ही शुरू हो चुका है वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक EP। ये था एपिसोड 1, अब से बैक टू बैक बस वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना, मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। दिस साइड SR3, पीस आउट।